So hey guys, welcome back. This is Anmol Shukla and a very warm welcome to my YouTube channel, History with Me. इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं सिचुएशनल लीडरशिप की. स्लाइड्स की मदद से समझते हैं कि भाई सिचुएशनल लीडरशिप आखिर क्या है, और एग्जांपल भी दूंगा आपको, जैसे आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसको अलग से कवर करना चाह रहा था. प्लेलिस्ट तो आएगी ही फॉर श्योर, बट इस पर्टिकुलर टॉपिक को मैं अलग से कहीं ना कहीं कवर करने की कोशिश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई किस तरीके से ये सिचुएशनल लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही काफी अलग है दूसरी लीडरशिप स्टाइल से. सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर, बट बिफोर दैट इफ यू न्यू टू द चैनल सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द डेली अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन. ऑल्सो इफ यू हैवंट जॉइन माई टेलीग्राम ग्रुप येट, जॉइन इट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इंस्टाग्राम पे अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है, सो टू कनेक्ट विद मी ऑन पर्सनल लेवल यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. लेट्स स्टार्ट. बिना किसी देर के समझते हैं सिचुएशनल लीडरशिप किस तरीके की होती है. जैसे कि आपको नाम से ही क्लियर होगा, अगर आपको सिचुएशंस के हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़े, जो भी कंसर्न्स हैं, जो टाइम टू टाइम, अब आप जानते हैं कि भाई जो एनवायरनमेंट होता है, स्पेशली अगर हम देखें मार्केट, इट कीप्स ऑन चेंजिंग. अब हर सुबह एक नई सुबह होती है मार्केट के लिए, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट के लिए. So you have to continuously, you know, you have to be adaptable in a sense कि आप अपने आप को चेंज कर पाओ उन चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स के साथ, उन चेंजिंग डेडलाइंस के साथ, चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ कहीं ना कहीं. सो सिचुएशनल लीडरशिप जो होती है, ये एक लीडरशिप स्टाइल है जिसमें लीडर जो है वो इसी तरीके का होता है. वो अपने अप्रोच को एडजस्ट करता है बेस्ड ऑन द नीड्स एंड रेडीनेस ऑफ द पर्सन बींग लेड. तो जिन लोगों को वो लेड कर रहा है उनकी रेडीनेस के हिसाब से, उनकी नीड्स के हिसाब से, एनवायरनमेंट के चेंज के हिसाब से, डेडलाइंस की चेंज के हिसाब से, अगर वो लीडर एडजस्ट कर रहा है अपने अप्रोच को, तो वो एक सिचुएशनल लीडर होगा. सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दैट फिक्स्ड अप्रोच, दैट रिजिड अप्रोच, द लीडर हियर अडैप्ट्स, यू नो, गाइडिंग एंड सपोर्टिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. तो वो सिचुएशन के हिसाब से गाइड करेंगे, सिचुएशन के हिसाब से सपोर्ट करेंगे, और इस तरीके के लीडर को हम सिचुएशनल लीडर कहते हैं. और इस तरीके की लीडरशिप स्टाइल को कहीं ना कहीं हम सिचुएशनल लीडरशिप स्टाइल कहते हैं. आगे चलते हैं और एग्जाम्पल की मदद से एक एक बिल्कुल जो है वो क्लैरिटी आपके दिमाग में हो जाएगी इसके कि भाई सिचुएशनल लीडर्स आखिर किस तरीके के होते हैं. हियर इज अ सिंपल एग्जाम्पल. अज्यूम दैट अनमोल, अनमोल मैं ही हूं, तो मैंने अपने आप को ही यहां पर लीडर बना दिया है. सो अज्यूम दैट अनमोल द लीडर हैज टू एम्प्लॉइज. लेट सपोज मैं लीडर हूं और मेरे अंडर दो एम्प्लॉइज हैं, अभिषेक एंड कीर्ति. लेट सपोज अभिषेक जो है ही इज न्यू टू द जॉब, और सिंस ही इज न्यू टू द जॉब एंड ही इज फ्रेशर एंड ही इज न्यू टू द फील्ड, डेफिनेटली ही नीड्स प्लेंटी ऑफ गाइडेंस. सो फॉर दैट एज अ लीडर, मेरा जो अप्रोच है वो अभिषेक के लिए ये होगा कि आई गिव स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस टू हिम, आल्सो आई एम गोइंग टू क्लोजली मॉनिटर हिज वर्क सिंस ही इज न्यू, सिंस फ्रेशर, आई हैव टू इंस्ट्रक्ट हिम एंड आई हैव टू क्लोजली मॉनिटर हिज वर्क आल्सो. अनदर एम्प्लॉय कीर्ति, शी इज एक्सपीरियंस्ड एंड शी इज सेल्फ अश्योर्ड वर्कर. सो कीर्ति के साथ मेरा अप्रोच ये होगा, मेरा अप्रोच डेलीगेटिव अप्रोच होगा कि मैंने उसको कोई काम दिया, सो नाउ मैं उसको उस काम के लिए उसको अकाउंटेबल समझूंगा और कहीं ना कहीं उसको फ्रीडम दूंगा ताकि वो खुद भी कई सारे डिसीजंस कर ले पाए और अपने वर्क को इंडिपेंडेंटली कहीं ना कहीं कर पाए. जैसे जैसे, बट मेरा ये अप्रोच रिजिड नहीं है अभी, जैसे जैसे अभिषेक को ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, मे बी 1.5 ईयर बाद या मे बी 6 महीने बाद, मेरा जो अप्रोच होगा अभिषेक के लिए भी वो चेंज होगा जो कीर्ति के लिए था. सो आई विल गिव हिम मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड आई विल मेक श्योर कि उसके अंदर वो वो इंडिपेंडेंस आए वो चीजों में और वो खुद भी डिसीजन ले पाए. सो दिस टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल के सिचुएशन के हिसाब से हम चेंजिंग माय स्टाइल और माय मेथोडोलॉजी, दैट्स व्हाट सिचुएशनल लीडरशिप इज ऑल अबाउट. सो हियर आई एम अडैप्टिंग this leadership style to best support each team member's development and current needs, and that's what situational leadership is all about. I hope aapko ye lecture pasand aaya hoga. Pasand aaya hai to mujhe comment section mein zarur bataye. Thank you so much, we'll see in the next video. Till the